हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 22 देखते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर 1 चल रहा है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास, जिसका डायमीटर है 2.4 और उसके पास बच्चों सरफेस पर रहने वाली डेंसिटी चार्ज की वो है 80, है ना, माइक्रो का टर्म है। तो लिख लेते हैं पहले सिग्मा, है ना, ये होता है 80 इंटू माइक्रो का मतलब है -6 कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो ऐसा अज्यूम कर लेना है कि आपके पास रेडियस का टर्म होगा जो कि हो जाएगा यहां से 1.2 मीटर्स। इस पे एक सिग्मा का टर्म है, ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है नेट चार्ज पर इनटू पर यूनिट एरिया, और ये एरिया बच्चों हमारे सरफेस का होता है, तभी ये फॉर्मूला सिग्मा पे डिपेंडेंट है। तो यहां से अगर अपन चार्ज के बारे में बात करें, ठीक है, चार्ज एक्टिंग ऑन द स्फीयर, तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ए। सिग्मा हमें मिला हुआ है 80 इंटू 10^-6 और एरिया, इसका स्फीयर का एरिया बताना है, तो ये हो जाएगा 4π और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। आर का टर्म भी मिला हुआ है बच्चों, तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 80 टाइम्स 10^-6 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अगेन मल्टीप्लाई बाय 1.2 और ये 1.2, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो ये 1.44 का टर्म देगा, ये 4 है और ये 8 है, तो 32 बनाएगा, और 3.14 से करोगे तो ऑलमोस्ट 10 के आसपास देगा, ठीक है। तो 10 का एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, दो हो जाएंगे, और ये कितना हो रहा है बच्चों, 6 है ये, तो मेरे पास आंसर मिलेगा 1.44 के आसपास ही आएगा आंसर, और ये हो जाएगा 10^-3 टाइम्स, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो डेसिमल में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कूलम का टर्म्स। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है, द चार्ज इज पॉजिटिव बिकॉज आपको सिग्मा का टर्म पहले ही प्लस में दिया हुआ है। फिर आपको सेकेंड पार्ट क्या पूछता है, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व है, ये पूछता है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सर्फेस, मतलब यहाँ से फ्लक्स कितना होगा। ऑब्वियसली हम इसको चार्ज, पूरे चार्ज को अब सेंटर पे मान लेते हैं, और ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, गॉसियन सर्फेस बन जाएगी बच्चों, ठीक है। और किसी भी क्लोज सर्फेस से गॉस लॉ क्या कहता है कि फाइ लिखिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो जाएगा चार्ज जो भी अंदर अज्यूम किया गया है, और डिवाइड बाय एप्सिलन, ठीक है, सर्फेस पे भी होगा तो भी माना जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा चार्ज का टर्म 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 कूलम्स डिवाइडेड बाय एप्सिलन, बच्चों सभी को पता होता है 8.858 इंटू 10^-12। एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकली द अबव टर्म, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टर्म मिल जाएगा 1.6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10^8, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का बनाएगा, और फ्लक्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया बच्चों, है ना, फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा होगा, और क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ है ना, यही गॉसियन बन जाएगा, तो डायरेक्ट आपका किससे लग जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका गॉस लॉ लगाते ही, दो लाइन में हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए चार्ज ये रहा, सेकेंड पार्ट के लिए फ्लक्स का टर्म ये है। आगे देखते हैं,